हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में अध्ययन करेंगे लघु बीजाणुदानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुदानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। या हम जिसे बोलेंगे लघु बीजाणुदानी की संरचना, लघु बीजाणुदानी आपको लैंगिक जनन की रूपरेखा बताई गई थी और उसी रूपरेखा में आपको बताया गया था कि पुष्पिका नर जननांग पुमंग होता है, पुमंग की प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है, पुंकेसर के पराग कोश में पराग पाली के अंदर कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें लघु बीजाणुदानी बोलते हैं और जिसके अंदर पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी लघु बीजाणुदानी की बात हम आज करने जा रहे हैं। लघु बीजाणुधानी क्या है, जैसे आप देखेंगे ये पराग कोश है और इस पराग कोश में ये दो पराग पाली हैं और प्रत्येक पराग पाली में ये दो कोष्ठ हैं, अर्थात एक पराग कोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, चार। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। जिन्हें कहा जाता है लघु बीजाणुदानी, इसमें क्या होता है, पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी लघु बीजाणुदानी की संरचना की बात करेंगे। यह लघु बीजाणुदानी बेलनाकार संरचना है जो पराग कोश की दोनों सतहों के ऊपर पाई जाती है। ये आप यहाँ देख रहे हैं दोनों सतह पर प्रेजेंट है। ये द्विपालित पराग कोश है, लेकिन मालवेसी कुल के अंदर पराग कोश एक पालित होता है जिसमें लघु बीजाणुदानी की संख्या कितनी होती है, दो होती है, बाकी कितनी पाई जाती है, चार। तो आप आज इसी लघु बीजाणुधानी की संरचना की हम बात करेंगे। डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार से होती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना इस प्रकार से होगी। इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ये सबसे बाहर जो एक लघु बीजाणुधानी बेलनाकार संरचना है जो पराग कोश की बाहरी सतह पर पाई जाती है। सबसे पहले लघु बीजाणुधानी की संरचना में दो भाग होते हैं, लघु बीजाणुधानी की संरचना में दो भाग होते हैं। नंबर एक पराग कोश भित्ति, पराग कोश भित्ति में निम्न भाग है जो क्रम से हैं। नंबर एक बाह्य त्वचा, नंबर दो एंडोथीशियम, नंबर तीन मध्य परतें, नंबर चार एपिडर्म। और नंबर दो है बीजाणुजनन उत्तक। तो सबसे पहले हम पराकोष भित्ति की बात करेंगे। कि नंबर एक पराकोष भित्ति के चार स्तर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, उसके बाद में नीचे की ओर ये एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम, उसके बाद में
मध्य पर्दे और ये है लघु बीजाधानी जिसमें टिप्टम है। और ये योजी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पराकोष भित्ति में कौन कौन से स्तर हैं। जैसे नंबर एक है भाई त्वचा, इनको उठा देता हूं, दोबारा आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर एक भाई त्वचा। भाई त्वचा यह पराकोष का सबसे बाहरी एक स्थिर परत है। यदि इसको आप ओपनली देखेंगे तो इस माध्यम से भी, डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं, यह पराकोष का सबसे बाहरी स्तर है, अर्थात जिसकी कोशिकाएं लंबाई में कम वह चौड़ाई में अधिक होती है, यानी ये चौड़ाई में अधिक होती है और लंबाई में क्या होती है, कम होती है। ये बाह्य त्वचा है जो पराकोष की सुरक्षा करती है। पराकोष भित्ति के चार स्तर हैं, जिसमें सबसे पहला भाग है बाह्य त्वचा। ये पराकोष का सबसे बाहरी स्तर है। उसके बाद में इसके नीचे की ओर जो दूसरी लेयर है जिसे एंडोथीशियम बोलेंगे, यहां पे आप देख रहे हैं जिसे कहेंगे एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम है या ये वाला पार्ट है जो एंडोथीशियम है, अर्थात बाह्य त्वचा से ठीक नीचे क्या पाई जाती है, एंडोथीशियम पाई जाती है। इधर देख रहे हैं या डायग्राम के रूप में इधर भी आपको एक लघु बीजाणुधानी की संरचना ओपन दिखाया जा रहा है। ये एंडोथीशियम है जिसकी कोशिकाओं की भित्ति में अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं जो आर्द्रता ग्राही होती हैं, अर्थात नमी को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो एंडोथीशियम की मुख्य भूमिका है पराकोष का स्फुटन, पराकोष का स्फुटन, कि जब पराकोष फटता है उस समय एंडोथीशियम की क्या होती है, भूमिका होती है। उसके बाद में मध्य परते, मिडिल लेयर, मध्य परते, ये मध्य परते हैं, इसके नीचे मिडिल लेयर, मध्य परते पाई जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एंडोथीशियम व टिप्टम के मध्य एक से तीन स्त्री परत के रूप में क्या पाई जाती है, मध्य परते पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं, अर्थात पतली भित्ति वाली होती है जो नष्ट होकर विकासशील पराकरों को पोषण प्रदान करती हैं। उसके बाद में क्या होता है, टेपिडम, यानी इनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं जिनमें क्या पाया जाता है, स्पष्ट केंद्र पाया जाता है, सघन जीवद्र होता है, अर्थात ये विकासशील पराकरों को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, ये टेपिडम है। और उसके बाद में ये है बीजाणुजनक ऊतक, बीजाणुजनक ऊतक अर्थात पराकोष भित्ति के अंदर की ओर पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनक ऊतक कहा जाता है, अर्थात ये पराग मात्र कोशिकाओं के क्या करती है, निर्माण करती है। ये टेपिडम है। और उसके बाद में ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये बीजाणु जनन ऊतक के पराग मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करती है और यही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का निर्माण करती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।